हेलो एंड वेलकम टू माय गिटार मेथड्स। माय नेम इज अक्षय एंड आज हम सीखने वाले हैं केसरिया फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र। इस गाने पे बहुत हाइप बनी हुई है तो हमें लगा इस गाने को करना चाहिए। उसके अलावा भी आई रियली लाइक द कोरस ऑफ द सॉन्ग एंड इट हैज़ अ वाइब, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। गाना चार ही कॉर्ड का गाना है, काफ़ी ईजी गाना हमने बनाने की कोशिश की है। कुछ कॉर्ड्स हैं जो बार कॉर्ड्स में प्ले किए जा सकते थे बट हमने अवॉइड करके उनको ओपन ही रखने की कोशिश की है। दो आई रियली अप्रिशिएट इफ यू विल प्रैक्टिस हार्ड एंड यू शुड बी एबल टू प्ले ऑल काइंड्स ऑफ कॉर्ड। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अब हम लेसन थोड़ा अलग तरीके से दे रहे हैं आपको। आई रियली होप कि आप इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए एंड लेट्स सी, एवरीथिंग इज़ इन आवर हैंड। अगर लगेगा तो फिर से चेंज कर लेंगे। बाकी अगर आपको पूरा प्ले थ्रू देखना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, दैट इज माय गिटार मेथड्स। हम वहाँ पे ये पूरा वीडियो एज अ प्ले थ्रू भी अपलोड करेंगे। और आज का हैशटैग, वेट, आज का हैशटैग है #MGM #केसरिया। मुझको इतना बताए। तो सबसे पहले जो इंट्रो है, एक कह सकते हैं हम कि आरपेजियो पैटर्न है। गाने का जो मेन स्केल है दैट इज सी मेजर स्केल एंड आई रियली फील कि इस गाने को एक तरीके से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। जो हमारा कबीरा गाना था फ्रॉम द मूवी ये जवानी ये दीवानी, जैसे उसमें भी क्या था कि डी मेजर का गाना था और उसमें जो फोर्थ कॉर्ड था वो सेवन्थ यूज़ किया गया था और बहुत स्ट्रांगली यूज़ किया गया था उसके जो सेवन्थ नोट है। ऐसे ही यहाँ पे भी सी डी ई एफ जो फोर्थ कॉर्ड है स्केल का, उसे बहुत स्ट्रांगली सेवन्थ मेजर सेवन्थ करके और बार बार यूज़ किया गया है। तो शुरू का जो ये पैटर्न है ये काइंड ऑफ उसी की वाइब देता है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर प्लेइंग ई एंड सी, छह बार ये काउंट करेंगे, ई सी ई सी ई सी देन जी सी। ओके, नंबर के हिसाब से आई एम यूजिंग 0 1 0 1 0 1 0 1। देन नेक्स्ट पार्ट वी आर प्लेइंग डी सी डी सी डी सी डी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज जो हमने किया है इजी बनाने के लिए, सो चार बार आप करेंगे 1 2 3 4, देन यू विल प्रेस जी ऑल्सो हियर जो सेकेंड फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट है, फिर आप प्ले करेंगे ई सॉरी जी सी देन डी सी, तो एक साथ आठ होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमने बस जो ये वाला पार्ट है ये तो सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम रखा है डी सी डी सी। ठीक है, देन वी स्टार्ट डूइंग और द सिंगिंग पार्ट स्टार्ट्स द वर्स ऑफ द सॉन्ग एंड विल टॉक नेक्स्ट अबाउट इट। फर्स्ट लिसन टू इट। अगर आप भी सिस्टमेटिक तरीके से गिटार सीखना चाहते हैं तो मैं और मेरे जैसे कई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं फ्रंट रो ऐप पर, तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी गिटार जर्नी को सिस्टमेटिक बनाइए। मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग। दो लाइंस हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम देखिए ओरिजिनल गाने में तो ओरिजिनल गाना मतलब सही में गाने में तो ये पैटर्न ही कैरी ऑन हो रहा है जब ये पार्ट गाया जा रहा है, बट एज अ कॉर्ड सीक्वेंस यू कैन रियली गो फॉर द ऑब्वियस 1 6 4 5। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर प्लेइंग द कॉर्ड्स। सो कॉर्ड्स कौन कौन से हुए, सी मेजर कॉर्ड, देन ए माइनर कॉर्ड, देन एफ मेजर सेवन कॉर्ड। इसका मतलब है आपको फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन रखनी है। ठीक है, सो आई एम होपफुल कि आप डायग्राम भी देख पा रहे होंगे, दिस इज हाउ यू प्ले। ऊपर के दो फ्रेट्स जो दो स्ट्रिंग्स है वो आप म्यूट करने की कोशिश करें। ठीक है, देन लास्ट कॉर्ड विल बी जी ओपन कॉर्ड। अब अगर लिरिक्स के हिसाब से देखें, सो ऑफ कोर्स इट इज टू हाई अरिजीत सिंह जी, सो कैसे
तो पर्टिकुलर वर्ड्स जो हैं जिन पे कॉर्ड्स आ रहा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जो चौथा कॉर्ड है हमारा वो फ्री है, मतलब उस पे कुछ नहीं गाया जा रहा है. ओके, देन वी मूव टू द प्री कोरस. लेट्स हियर इट. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाई से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्री कोरस. प्री कोरस एक पार्ट होता है जो कोरस और वर्ड्स के बीच में एक ब्रिज बनाता है. ठीक है, तो इस वाले पार्ट में कॉर्ड सीक्वेंस जो है वो रहने वाला है सी मेजर, ई माइनर, एफ मेजर सेवन. थ्रू आउट द सॉन्ग हम ये कॉर्ड यूज करेंगे, एफ मेजर नहीं बजाएंगे, देन जी ओपन. ठीक है, अब स्ट्रमिंग पैटर्न की बात की जाए तो आई एम जस्ट डूइंग कॉन्स्टेंट डाउन स्ट्रोक. सो एट नोट्स लाइक वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड इट्स अप टू यू कि अगर आप पाम म्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, और इवन इफ यू वांट यू कैन डू. ओके, नाउ लेट्स सी विद द लिरिक्स क्या होता है. रब्बा ने पे आएगा सी, तुझको बनाने में पे आएगा ई माइनर, कर दी है हुस्न की एफ मेजर सेवन खाली तिजोरियां, यहां पे जी. ओके, काजल की सी, स्याही से लिखी ई माइनर, कितनों की है है तूने जाने, जाने पे एफ, कितनों की लव स्टोरिया, यहां पे जी. ओके, एक बार रेगुलर देख लेते हैं. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया, काजल की देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं लिरिक्स में गड़बड़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं कॉर्ड भी मैंने प्लेसिंग गड़बड़ कर दी. सो होना ये चाहिए, काजल की सियाई से लिखी है तूने जाने, जाने के बाद और कितनों से पहले एफ आएगा, है तूने जाने कितनों की लव स्टोरी, और फिर यहाँ पे जी लैंड करेगा. तो थोड़ा सा ध्यान दे के स्टेप बाय स्टेप पहले गाने को अपने दिमाग में फिट करें एंड देन ट्राई टू Attempt it while singing and playing both together. चलिए अब कोरस पे आते हैं, मुद्दे की बात पे. केसरिया तेरा इश्क है प्यार, हिल जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में. So now the main part is part को बजाने के लिए आपको जो chords use करने हैं वो तीन हैं, F major 7, C major and ओके, तो किस तरीके से करेंगे वो लिरिक्स के हिसाब से समझते हैं. सो इट विल गो लाइक, केसरिया तेरा इश्क, इश्क से पहले तेरा के बाद एफ स्टार्ट होगा. केसरिया तेरा इश्क है पिया, तो यहां पे जो कॉर्ड्स लग रहे हैं ना वो वर्ड के बाद लग रहे हैं ब्लैंक स्पेस में. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग रंग से पहले सी, हाथ से पहले एफ. ठीक है, फिर से एक बार फ्लो में करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते. यहां पे जाके ऐसा होगा कि दिन बीते, बीते पे सी लैंड करेगा, दिन बीते सारे तेरे फिक्र में पे आएगा एफ मेजर सेवन अगेन, दिन बीते सारे तेरे फिक्र में, रहन सारी सारी बजी, रहन सारी तेरी खैर मना, मना ना पे आएगा सी मना, देन दिस स्ट्रेच होता है एंड जी पे लैंड होता है. ठीक है, एक बार सिंगल स्ट्रम करके आई एम प्लेइंग इट अगेन, लेट्स हियर इट अगेन. आप साथ में प्ले करने का ट्राई कर सकते हैं. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप द लिसन एज शॉर्ट एंड एज यू नो टुकड़ों में, जिससे कि आप साथ में भी प्ले कर पाए. सो वन टू. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाँ.
सो दिस इज द कोरस ऑफ द सॉन्ग. अब हम लास्ट बात करने वाले हैं सेकंड वर्स के बारे में. वो थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत इजी. अब गाने में मैंने बीच में एक मतलब काइंड ऑफ छोटा सा मनमर्जी से इंटरलूड दिया है जो बहुत इजी है और अच्छा लगेगा. तो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड विद सी मेजर, देन आई लेफ्ट, आई हैव है ना ये किया है, फर्स्ट फिंगर हटा दिया तो सी मेजर सेवन हो गया. सो टू थ्री फोर देन वन, टू थ्री फोर देन वन, टू थ्री फोर एंड वन, टू थ्री फोर. ठीक है, सो तीन कॉर्ड है, सी के ही वेरिएशन है, लाइक सी मेजर देन सी मेजर सेवन एंड सी एट नाइन, लिटिल फिंगर एड करने से. सो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, पहले पूरा सी मेजर, वन टू थ्री फोर देन सी मेजर सेवन एंड सी मेजर सी एट नाइन. ओके, आधा आधा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरा पूरा लाइक ऐसे भी दे सकते हैं, लाइक सी सी मेजर सेवन देन सी अगेन एंड देन सी एट नाइन. इट्स अप टू योर चॉइस. हमें बस टोटल ऑलमोस्ट चार बार्स जो है वो निकालने हैं. तो बार्स का मतलब होता है चार चार के काउंटिंग. तो 16 बीट्स आपको निकालनी है. नाउ इट्स योर चॉइस, आई यू नो आप पे छोड़ने वाला हूँ मैं, कि आप अपने आप से डिसाइड कीजिए कि आपके क्या अच्छा लगता है. ठीक है, फिर अब लिरिकल पार्ट पे आते हैं. सो यहाँ पे पहले कॉर्ड आएगा, पतझड़ के मौसम में भी. सो पहले कॉर्ड देन पतझड़, पतझड़ के मौसम में भी, देन नेक्स्ट लाइन मतलब पूरा इस पे जाएगा, पतझड़ के मौसम में भी रंगी चिनारों जैसी. सो व्हाट वी डिड, पहले कॉर्ड पतझड़ के मौसम में भी, देन कॉर्ड जी रंगी चिनारों जैसी, देन सी अगेन, झांके सा झांके सन्नाटों में तू, देन जी वीणा के तारों जैसी. देन देयर इज अ स्ट्रेच, मतलब थोड़ा सा आई वुड से कि वोकल एक्सप्लोरेशन है हल्का सा छोटा सा. तो वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे चार बीट के लिए सी और चार बीट के लिए जी. देन वी कैरी ऑन विद द सेम पैटर्न विच विल बी सदियों से भी लंबी है मन की अमाव से है और तू ये क्या लिखा फुल झड़ियों. ओके सॉरी. सो सदियों से भी लंबी है मन की अमाव से है और तू फुल झड़ियों वाले त्योहारों जैसे. ओके, तो सेम सी जी चार चार उसके लिए चल रहा है. देन वी अगेन land on the pre-chorus, da 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 da. तो आई रियली होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा. अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. हम लोगों ने थोड़ा अपना पैटर्न चेंज कर दिया है एंड मिले जुले रिव्यूज़ हमें मिले हैं कि कुछ लोगों ने अच्छा भी बोला है, कुछ लोगों ने बोला नहीं पुराना वाला अच्छा था. बट लेट्स सी, मतलब इट्स इन आवर हैंड. जब लगेगा तो वो एक बार पीछे वो ले आएंगे, है ना. बाकी अगर आपको पूरा इसका प्ले थ्रू देखना है तो एक बार इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, मुझे फॉलो भी कर दीजिएगा और इसका पूरा प्ले थ्रू का आनंद भी आप उठा सकते हैं. तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू सून. वी आर अबाउट टू यू नो हिट 100K. अभी टाइम है मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर आप सब्सक्राइब भी करेंगे तो काफ़ी सही लगेगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बाय, कितनी बार मिलेगी, बाय.